हम केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की बात कर रहे थे, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। 12:05 पर उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे में कोरोना के लक्षण थे, जिसके बाद टेस्ट कराया और मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। उन्होंने अपने सभी सहयोगियों से कहा कि जो भी लोग मेरे टच में आए हैं वे सब अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं और उसके बाद मेरे निकट के संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन हो जाएं। ये अपने ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है। बहुत बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कोरोना से निपटने के लिए लगातार तैयारियां कर रहे थे और रोज़ बैठकें करते थे, प्रतिदिन शाम को एक घंटा वो कोरोना को कैसे बचा जाए, कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, कोरोना को कैसे दूर किया जाए मध्य प्रदेश से, इसके लिए देते थे और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। माना जा रहा है कि एक और मंत्री है मध्य प्रदेश के, अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री, उनसे को सबसे पहले कोरोना हुआ और वो राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ लखनऊ गए थे। संभव है कि उनके जरिए कोरोना मुख्यमंत्री तक पहुंचा हो। अभी जो खबर हमारे पास आ रही है कि मुख्यमंत्री के पूरे परिवार के लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री 14 दिन तक भोपाल के चिरायू अस्पताल में रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं को संभालेंगे। 14 दिनों तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना इलाज कराएंगे भोपाल के चिरायू अस्पताल में। अब ये लोगों के लिए समझने की बात है कि कोरोना जो है वो किसी में भेदभाव नहीं करता है, आम व्यक्ति हो या विशेष व्यक्ति हो, जाति धर्म कोरोना नहीं मानता है। हालांकि भोपाल के एक विधायक हैं कांग्रेस के, आरिफ मसूद, वो लगातार इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे कि ईद के कारण लॉकडाउन किया गया है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार को जब लगा कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, इस कारण भोपाल में 10 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। इसको समझना चाहिए राजनेताओं को, लोगों को। और जब मुख्यमंत्री को कोरोना हो सकता है, मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो ये बीमारी किसी को भी घेर सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूरियां बनाएं, सड़क पर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें, साबुन से बार बार अपने हाथ धोएं, जो गाइडलाइन सरकार की है उनके नियमों का पालन करें, खुद भी कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 14 दिन तक वो भोपाल के चिरायू अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे। अब तमाम सारे मंत्री जिनके साथ शिवराज सिंह पिछले 2 दिनों से 1-to-1 कर रहे थे, उन सबको अपना कोरोना टेस्ट कराना है। बीजेपी दफ्तर भी इस बार 2 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए। बीजेपी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं के जिनके संपर्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, उनके स्टाफ के लोग, सबको अपना कोरोना टेस्ट कराना है। और कोरोना की भयावहता क्या है ये इससे हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। हम केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और भाभी जी पापड़ की बात कर रहे थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।